कोरोना वायरस से जंग के लिए पूरी दुनिया में अलग अलग तरीके अपनाए जा रहे हैं। देश भर में राज्य और केंद्र सरकार भी कोरोना से लड़ाई के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। कोविड-19 को ट्रैक करने के लिए भी अलग अलग ऐप विकसित किए जा रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने कोरोना कवच नाम से एक ऐप लॉन्च किया था, जिसे लेकर दावा किया जा रहा है कि ये ऐप कोरोना से बचाने में मदद करता है। इसी तरह बुधवार को एक और सरकारी ऐप आरोग्य सेतु लॉन्च किया गया। आरोग्य सेतु भी कोरोना कवच की तरह ही कोरोना ट्रैकर ऐप है। सरकारी ऐप आरोग्य सेतु यूजर को तब अलर्ट करता है जबकि वह कोरोना वायरस से संक्रमित किसी व्यक्ति के संपर्क में आता है। सरकार ने इसे हर व्यक्ति को डाउनलोड करने को कहा है। आपको बता दें, आरोग्य सेतु ऐप एंड्रॉइड और आईफोन के लिए उपलब्ध है। ऐप यूजर के फोन का ब्लूटूथ लोकेशन और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल कर ये ट्रैक करता है कि वह किसी कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में तो नहीं आया है। इस ऐप में कोरोना के हेल्प सेंटर और सेल्फ असेसमेंट टेस्ट जैसे ऑप्शन मौजूद हैं, जिनसे आप ये जांच सकते हैं कि कहीं आप भी जाने अनजाने कोविड-19 के संपर्क में तो नहीं है। हमने भी आरोग्य सेतु ऐप का इस्तेमाल किया है और देखा कि आखिर ये काम कैसे करता है। आइए आपको बताते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में कुछ जरूरी बातें। ऐप डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर आरोग्य सेतु टाइप करें। ध्यान रहे कि आरोग्य सेतु के बीच में स्पेस ना रहे। इस ऐप को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत NIC यानी नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर के दिशा निर्देश में बनाया गया है। बता दें कि प्ले स्टोर पर बहुत से फर्जी ऐप्स भी मौजूद हैं, इसलिए ध्यान से सही ऐप को ही डाउनलोड करें। ऐप को NIC ने पब्लिश किया है और डेवलपर के नाम के तौर पर एंड्रॉइड में NIC ई गवर्नमेंट मोबाइल ऐप्स और आईफोन्स में NIC दिखाएगा, इसलिए सही ऐप डाउनलोड करें और सावधानी बरतें। आरोग्य सेतु ऐप ट्रेसिंग और ये पता करने के लिए है कि आप सेफ हैं या नहीं। इसके लिए मोबाइल नंबर, ब्लूटूथ और लोकेशन डेटा का इस्तेमाल करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेशन वन। नेशन वन की खबरों के अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, पसंद आई वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ज्यादा जानकारी के लिए लॉगिन करें www.nationone.tv पर। अधिक जानकारी के लिए आप हमें ट्विटर, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए बने रहें नेशन वन के साथ।